क्या व्यू है, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गई हूँ मनाली आके, सही में। सुंदर मॉर्निंग है ना ये, है डे टू इन मनाली। अभी हम लेट हो गए हैं, सुबह के 8:30 हो गए और अब हमें जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि हमें बहुत सारा घूमना है। देखिए आज जो हम कौन कौन सी जगह कवर करेंगे वो है हमारा वशिष्ठ टेम्पल जो कि ओल्ड मनाली में ही है और वो फेमस है नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए जहाँ पे गर्म गर्म पानी आता है। और वहाँ पे मैंने सुना है, और एक्चुअली मैं एक बार गई भी हूँ, मैंने सुना है वहाँ पे जो पानी गर्म गर्म पानी होता है ना, वहाँ पे अगर आप नहाओगे तो जो भी आपके स्किन रिलेटेड डिजीजेज़ हैं वो कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। और जो सेकंड प्लेस है हमारा वो रहेगा जोगनी फॉल्स वशिष्ठ टेम्पल से ही, 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तो हम वो कवर करेंगे। वो भी मैंने सुना बहुत सुंदर है यार, तो लेट्स सी कैसा होता है वहाँ का सफ़र। और जो थर्ड चीज़ है वो होगी हमारी मनु टेम्पल। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ का नज़ारा ले लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या क्या और करना है हमें। बाइक रेंट पे लिए जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, वहीं पे पास में है वर्ल्ड बाइक पॉइंट, यहाँ से हमने बाइक रेंट पे लिए 2 दिन के लिए। हमारा मेन काम है मनाली लद्दाख की टूरिंग करवाना टूरिस्ट को। अच्छा, तो पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं तो ले लद्दाख के लिए भी, मतलब लोग ले लद्दाख का मेन काम है, कुछ लोकल्स के लिए भी दे देते हैं रेंटिंग के लिए। तो दुनिया का तीसरा देश है हमारा जिसमें इतना बड़ा ऑफ रोडिंग टूर है बाइक राइडर के लिए। ओके, फुल इंजॉयमेंट होता है, कैंपिंग है, टेंटिंग है, व्यूज बहुत सुंदर। तो जैसे कि भैया ने बताया कि आप यहाँ पे अगर आपको लोकल घूमना है तो बाइक रेंट पे ले सकते हैं, स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, और अगर आपको लेह लद्दाख पे भी जाना है तो यार लोग बहुत सारे लेह लद्दाख जाते हैं बाइक पे, तो आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, भैया का नाम, भैया का डिटेल नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ का एड्रेस। ये ओल्ड मनाली में है ना भैया इसकी शॉप? ओल्ड मनाली के नज़दीक पड़ता है, हडिम्बा रोड है ये। हाँ, ये हडिम्बा रोड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगी। तो अभी हमने 2 दिन के लिए, इस बुद्धू को तो आती नहीं है बाइक चलाने तो हमें स्कूटी से गुजारा करना पड़ेगा 2 दिन। हम लेट भी हो रहे हैं तो अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ठीक, लेट्स गेट रेडी। यो, वी आर रेडी टू गो। और हम लेट हो गए हैं यार, मैं क्या बताऊं। तो अभी हम ओल्ड मनाली में हैं, तो अब हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम मनु टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वशिष्ठ एंड देन जोगनी फॉल्स। तो अभी हम हैं मनु टेम्पल और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है, इतना पीस है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे ज़ोर से बोलूँ, और काफ़ी शांति मिल रही है। तो मनु टेम्पल जो है ना, ये इसका हिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है यार, मतलब कल का दिन भी इतना सही रहा और आज भी इतना कुछ मतलब जानने को मिल रहा है। मतलब संसार का जो पहला मनुष्य था जिनका नाम मनु था, उनके नाम पर ये रखा गया, और वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अभी तक मैंने जितने भी मंदिर गई हूँ ना, सब बहुत सुंदर है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर ना अलग है यार, बहुत सुंदर है। मतलब लोगों का बिलीफ कितना कुछ बोलता है यार, और सही बात है यार, हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे आओगे, हर एक मंदिर में जाओगे आप, तो आपको पता चलेगा क्या हिस्ट्री है, और जैसे जैसे आप सब चीज़ों को जानोगे वैसे वैसे आपको उन चीज़ों में बिलीव भी होने लगता है यार।
ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मनु टेम्पल जो है ये ओल्ड मनाली में है। तो आप यहाँ आओ तो यहाँ पे बिल्कुल आना, क्योंकि ये भी वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में है मनाली के। लोगों का मानना है कि जो मनु है उन्होंने अपने जो जीवन के 7 चक्र हैं, मतलब कि 7 बार जन्म भी यहीं पे लिया है और 7 बार उनकी मृत्यु भी यहीं इसी मंदिर में हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अब हम जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल और ये वशिष्ठ महर्षि के नाम पे बनाया गया है। माना जाता है कि मेडिटेशन के लिए था ये जगह। तो जब लक्ष्मण जी आए थे यहाँ पे तो उन्होंने महर्षि से कुछ हेल्प मांगी थी। तो उन्होंने देखा कि यार जगह तो बहुत ठंडी है, तो उन्होंने सोचा यार कि इस जगह को गर्म करने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने ज़मीन में तीर मारा था यहाँ पे, और तभी से ऐसा माना जाता है कि जो पानी निकला वहाँ ज़मीन से वो गर्म आता है। और मतलब लोगों का ये भी मानना है कि जो गर्म पानी है इसमें कुछ सल्फर है और ये स्किन डिजीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अलग से मैन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए बाथिंग एरिया बनाया गया है। ये नीचे जो है ये वशिष्ठ टेम्पल है और ये है राम टेम्पल। तो जब आप वशिष्ठ टेम्पल में आओ तो आप राम टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हो, एकदम बिल्कुल साथ में एडजेसेंट है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। जोगनी फॉल्स के लिए अब हम लेट हो गए हैं, हम जोगनी फॉल्स के लिए निकल चुके हैं। वशिष्ठ टेम्पल से जोगनी फॉल्स लगभग 1 घंटे का रास्ता है, जाने में 1 घंटा लगेगा। अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये। हाँ, 2 to 2.5 किलोमीटर। अगर आप वशिष्ठ टेम्पल आ रहे हैं तो आपको यहीं से जोगनी वाटरफॉल्स जाना चाहिए, जो हमने सुना है कि काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं रास्ते में और आपको मजा आएगा, काफी एडवेंचरस ट्रैक है ये। हाँ, मतलब अगर आप जैसे प्लान करो ना कोई घूमने का, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिस दिन आप वशिष्ठ टेम्पल घूमो उसी दिन आप जोगनी फॉल्स के लिए निकल जाओ, क्योंकि एक ही रास्ते में है, वशिष्ठ के एकदम एडजेसेंट रास्ता जाता है जोगनी फॉल्स के लिए। तो अभी हम लेट हो रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, तो हम चिप्स, हाँ ये हमारा लंच होगा, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, पूरी अराउंड 4:15 हो गए। देखो 4:15 हो गए, हमारे पास टाइम नहीं है खाना खाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे यार, सुबह भी लेट हो गए थे। हमेशा यही हो जाता है, रात को इतना अच्छा प्लान बना के हम सोते हैं कि ये करेंगे सुबह सुबह, रात को क्या कहते तुम कि 7 बजे निकल जाएंगे हम, और हमें स्कूटी भी रेंट पे लेनी थी। मैम उठी है 8:30 बजे। तो मेरे को ऐसे बोल रहे जैसे सुबह 5 बजे के उठे, मेरे को तो तब डांटो ना कि जब मैं उठ रही हूँ 9 बजे और ये महाशय 5 बजे उठ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये भी बेड पे पड़े हुए हैं। मैडम को लात मार के उठाना पड़ता है। हाँ, कोई लात मार के उठाना नहीं पड़ता। ओके, कि ये मैडम की मॉर्निंग पर्सन है। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, ये झूठ कुछ भी, मतलब मैं नाइट पर्सन हूँ, मेरे को नाइट में ही काम करना अच्छा लगता है। उल्लू हो तुम, खुद को देखा है, अगर मैं उल्लू तो तुम क्या हो। तो ओ गॉड, मैं इतनी ज़्यादा ही चंपू लग रही हूँ यार, चलो कोई बात नहीं, चलता है क्योंकि गर्मी लग रही है भागते हुए। तो क्या बात हुई थी? बात ये हुई थी कि हम जोगनी फॉल्स के लिए लेट हो रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन जब आपके पास रास्ते में ये व्यू मिले, अब व्यू दिख नहीं रहे होगा, जब आपको रास्ते में ये व्यू मिले और आराम से बैठ के आप घर टाइप यहाँ पे आप खा सकते हो, ये है तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक कैफे, रास्ते नाम है ये एपिडोर कैफे, ठीक है।
हमने अभी राजमा चावल ऑर्डर किए क्योंकि यार भूख ना बर्दाश्त हो नहीं रही थी। एक्चुअली दोनों मिक्स हो गई चीज़ें, भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऊपर से सीन इतना ज़बरदस्त मिल गया ना। तो अगर आप भी जॉगनी फॉल जा रहे हो और रास्ते में आपको भूख लगती है तो आप एपिडोर कैफे में रुक के हमारी तरह राजमा चावल नहीं तो कुछ और खा सकते हैं। हमने तो राजमा चावल ऑर्डर किए हैं और हमारे राजमा चावल आ गए। अगर आप भी हमारी तरह दिमाग से नहीं दिल से काम लेके हैं तो आप भी रास्ते में रुक के ये राजमा कैफे खा सकते हैं। राजमा कैफे नहीं, राजमा चावल। ये दिख रहा है कि जो भूख है वो पेट से दिमाग में चढ़ चुकी है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम जोगनी वाटरफॉल्स पहुंच चुके हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये हसीन व्यू। इसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये पहाड़ स्नो क्लैड माउंटेन्स। पता है मैं वीडियो में आ नहीं रही थी अभी, लेकिन मेरे को सब समझ गया कि तुम क्यों मेरे को बोल रहे थे कि वीडियो में आओ ना आओ ना आओ ना। मैंने कहा यार मैंने कुछ बोलना ही नहीं तो मेरे को क्यों लेके आ रहे हो। तो ये है वाटरफॉल्स जो कि आप देख रहे हैं, एवरेज सा वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ का मजा है यहाँ पे आने का। तो जो आप अराउंड कितना किलोमीटर का ट्रैक होगा यार, दो या दो ढाई रख लो, इससे ज़्यादा नहीं है। 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है वशिष्ठ टेम्पल से, और उस ट्रैक में आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि व्यूज इतने शानदार मिलेंगे। तो पता है समटाइम्स डेस्टिनेशन डज नॉट मैटर, जर्नी मैटर्स। यस, ठीक है। तो यहाँ की जो जर्नी है ना, यहाँ का रास्ता बहुत ही एडवेंचर है। रास्ते में पेड़ आपको इतने सुंदर मिलेंगे और जो बर्फ़ है ना, एडवेंचर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरे रास्ते में बर्फ़ है। तो आप हो सके तो मनाली घूमने आओ तो अच्छे से शूज़ होने चाहिए ताकि आपकी ग्रिप बन सके, नहीं तो लुढ़कते हुए पता नहीं कहाँ जाओगे। अगर विंटर में आप आ रहे हो इस ट्रैक को केयरफुली करें क्योंकि कई सारे पॉइंट्स पे आपके पैर स्लिप करेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और पर यार पता है जो हमें लग रहा था, हम दो बार रास्ता भूल गए इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, और यहाँ पे आके सारी थकान दूर हो गई है। सच में एक थकान दूर तब होती है जब आप वशिष्ठ टेम्पल विजिट करते हो और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर बात लेते हो, एक थकान तब दूर होती है और दूसरी थकान आपकी यहाँ आके दूर होगी। क्या व्यू है, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई हूँ मनाली आके। सही में तो आज के लिए बस इतना ही। अरे यार इतना कहाँ, काफ़ी हो गया है। आज हमने वशिष्ठ टेम्पल कवर किया, फिर मनु टेम्पल कवर किया, ऊपर से जोगनी फॉल्स गए जहाँ पे हमारे को एक घंटे की ट्रैकिंग थी लगभग 45 मिनट्स की। तो काफ़ी नहीं भाई, बहुत हो गया आज के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और लाइक भी कर देना अगर पसंद आया आपको, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो अपने आप। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। ध्यान से पोटी है, देख के चला करो। और कल हम जा रहे हैं यहाँ का सबसे स्पेशल जगह जो कि है सोलांग वैली, जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ दिखने वाली है, 2.5-3 फुट बता रहे हैं। yes. तो जहाँ पे हमें बर्फ ही बर्फ मिलेगी और बर्फ ही बर्फ मिलेगी।